अब हम बात करेंगे अपनी तैयारी में वीकेंड्स का प्रयोग कैसे करते हैं। इस दौरान आपका कॉलेज नहीं होगा और आपके पास समय बचा होगा, ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसको बढ़ाकर यहाँ पर 6 to 7 hours कर दीजिए आप, यानी वीकेंड पे आप जो है ज्यादा पढ़ाई करेंगे। कई बार आपको ये लगेगा कि आप बड़ी तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आपको घूमना फिरना दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अभी तो आपने 12th पास किया है, अभी आपके जो है वो एंजॉय करने का दिन है, लेकिन हर समय अपने दिमाग में रखिएगा कि मैंने देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में जाने का फैसला किया है, आने वाले टाइम में मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब भी आपको थकान होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, बोरियत होगी, आपके दोस्त घूम रहे हैं, फेस्टिवल्स में जा रहे हैं और आप अपने आप को वीकेंड में भी पढ़ाई में झोंके रहेंगे, तो हमेशा अपना मकसद, अपने आदर्शों को याद रखिएगा कि आप देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में हैं। आप याद करिएगा कि जो पावर, जो रचनात्मकता, जो प्रतिष्ठा आपको आने वाले समय मिलेगी, वो आपके समकक्ष जो आज घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो सब नसीब नहीं होगा। तो जो ये समर्पण आप देते रहेंगे वो आपको गहरे समय में, तकलीफ के समय में आगे लेकर जाएगी। तो